वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अंतरराष्ट्रीय स्तर को उपचार द्वारा संतान प्राप्ति संभव छ। बीपी कंट्रोल होता है, हार्ट अच्छा रहता है और कोई कोलेस्ट्रॉल आदि जमा नहीं होता है। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार और जब ठंड बढ़ जाए तो थोड़ी दंड बैठक बढ़ा दो तो गर्मी अंदर है, समाधान अंदर है, बीपी अच्छा रहता। अपने विषय पर आते हैं, खुश रहने से बीपी अच्छा होता है। ऐसे योगिक जोगिंग के बारे में पूछ कर लें, फिर जो है सूपी बढ़ता है ओबेसिटी से, बीपी बढ़ता है शुगर बढ़ने से भी, बीपी बढ़ता है लीवर किडनी के फंक्शन ठीक ना होने से, दाएं पैर पर बीपी बढ़ने से, लंबे लंबे श्वासों के साथ पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है। ये एलोपैथी वालों को तो पता ही नहीं, छोटे छोटे उपाय और भी बताएंगे और आसन भी बताएंगे। औषधियों में तो हम मुक्तावटी और बीपी ग्रिड दे देते और लौकी का जूस पिला देते, उसी से बीपी एकदम कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को हार्ट अटैक। अर्ध उष्ट्रासन, पूजा आचार्य जी भी बड़ा सुंदर कर रहे हैं। वैसे ये छोटे छोटे उपाय रोग हैं, जितना हो सके फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सलाद लें, आगे झुक जाए, शायद फोन कट गया तो फोन भी लगाए, तो श्वास बाहर छोड़ करके, नहीं फोन तो जुड़ा ही हुआ है। हाँ ये बात एकदम ठीक कही जो सुना जी आप। अरे आचार्य जी तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे आई होने के बाद लोवा नहीं करें, और मैंने तो देखा आपने खुद 40 और 60 तक जिनका बीपी आ जाता था उनको भी हमने नॉर्मल किया, लेकिन बीपी हाई होने के बाद ना करें, लो वाले तो कर ही सकते। जी कुछ पूछ रहे थे, पूछ रहे ज्योत सना दिया। सफेद झूठ है कि ये तो मैं प्राणायाम करा के, मैंने तो लाइव एग्जांपल दिए हैं इंडिया टीवी पर कि प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से, हल्की हल्की दौड़ लगाने से बीपी एकदम से बढ़ता है। का 150 नीचे का 90-100 तक पहुंच गया था, इसलिए लो वाले जरूर करें, उससे उनका नॉर्मल होगा और हाई वाले भी जरूर करें, उनका भी नॉर्मल होगा। बीपी बढ़ने के पांच ही बड़े ये हाई वालों। आचार्य जी बैकग्राउंड साउंड से उधर से बोल रहे थे कि जो है वो किसी को बहुत भयानक पायस है तो घिस करके इसका थोड़ा सा एक ग्राम जितना यदि उसको पिला दें। बालकृष्णनाम शर्म अहम मम बालेश्वर महादेव प्रसन्न कामनार्थे पंचामृत पूजन कपूर आरती कर्म वयम करिष्यमहे। हरे ओम Thank you.